अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबसे पहले मेरी हालत देखिए, पसीने में कैसी हो रही है। अब आप ये देखिए, ये हम वहाँ पर हैं जब हिजरत के दौरान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए और 3 दिन आराम फरमाया। यहाँ आगे ऊपर जाकर गा रहे हैं। यहाँ पर आप ये बहुत ज्यादा ऊंचाई का सफर है, वो दिखा रहे हैं हम कितने नीचे से हैं। वो जहाँ पे सड़क है ना, वहाँ से आए हैं हम लोग, है ना। तो ये इतना ऊंचाई का सफर है। अब जब तक आप आधे रास्ते तक पहुँच जाओगे, आधे रास्ते तक आपको शैतान बरगलाता रहेगा और कहता रहेगा वापस चल, थक जाएगा, वापस चल, थक जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी बात ना मान के चढ़ते रहोगे, चढ़ते रहोगे, अल्लाह ताला आपकी थकान को दूर कर देगा। हल्की 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 आराम आराम से करके कर करके आपकी सारी जो थकान है वो सारी दूर हो जाएगी। तो ये देखिए, वो गार आ चुकी है जिसमें प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के दौरान हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह साथ ही इस गार में ठहरे थे। और इसमें जो नफले हैं वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें बैठकर ही पढ़ी जाती है। लेकिन मैं तो इसमें खड़े होकर पढ़ सकती हूँ। मेरी अम्मा बोल रही है कि आप किस्मत वाली हो। जी बेशक मैं किस्मत वाली हूँ कि मैं यहाँ पर खड़े होकर नफले पढ़ सकती हूँ। देखिए यहाँ पर ये बिल्ली वो बिल्ली, और यहाँ से गार से थोड़े से बाहर निकल के इतनी बिल्लियाँ बता नहीं सकती। यहाँ पर बिल्ली, यहाँ पर सिर्फ आपको 2 जानवर दिखेंगे, बिल्ली और कबूतर बस। नफिल तो हमारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर तो ये इतनी सी गार है, आप देख सकते हैं ये इधर से और इधर तक बस, ये इतनी सी गार है। इसमें तो बड़े लोगों पर खड़ा भी नहीं हो सकते, वो मतलब नफिल भी अदा करते हैं तो बैठ कर करते हैं, क्योंकि वो खड़े भी नहीं हो पा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कितनी ज्यादा नीचाई की गार है, और किस तरह इस गार में हजरत अबूबकर सिद्दीक ने किस तरह उन सुराखों को ढका था, जो सुराख थे बहुत सारे, और उनमें से एक सुराख अभी भी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, एक सुराख मौजूद है, बाकी सब सुराख बंद कर दिए गए हैं। अब तो पहले थे तो वो भी हजरत अबूबकर सिद्दीक ने पहले आए, खुद एंटर हुए और इसको पूरा बंद कर दिया। जहाँ जहाँ सुराख थे, पहले अपना कुर्ता फाड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े कर लगाए, फिर पगड़ी फाड़ी, जो पग थी उनकी वो फाड़ फाड़ कर उसको सुराख बंद किए। फिर भी एक सुराख बच गया था तो उसमें अपनी एड़ी डाल दी, एड़ी मुबारक डाल दी। तो फिर एक सांप था, उस जिस सुराख में एड़ी डाल दी थी वो सांप आपकी यानी हजरत अबूबकर सिद्दीक की एड़ी में डस रहा था। वो इस मकसद से नहीं कि वो सांप है इसलिए डस रहा था, उसने कभी हजरत मूसा के दौर में सुना था प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि एक नबी आएंगे तो वो प्यारे का दीदार करने के लिए उनको डस रहा था, ताकि ये एड़ी हटाए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूं। तो इसीलिए फिर जब बहुत देर तक डसता रहा, फिर ये बना रहे हैं वीडियो वो इसलिए क्योंकि और लोग इंतजार में बैठे थे, उनको भी नफिल अदा करनी है, तो ताकि वो अदा कर ले, इसलिए हम बाहर आके। चलो मैं आपको बताती हूँ। तो जब सुराग रख दिए, वो सांप डसने लगा एड़ी को, तो जब पहले तो हजरत अबूबकर सिद्दीक ने बताया नहीं प्यारे आका को। प्यारे आका की जो है वो हजरत अबूबकर सिद्दीक के घुटने मुबारक पर सर मुबारक रखकर अपना उनकी आंख लग गई थी। तो जब पहले तो हजरत अबूबकर सिद्दीक ने बताया नहीं, पर फिर उनकी आंख में से आंसू निकले हजरत अबूबकर सिद्दीक की, और वो आंसू प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर जाकर गए और जाकर गिरे, तो प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद टूट गई, मतलब उठ गए। तो पूछा कि क्या हुआ है अबूबकर, क्यों रो रहे हो। तो हजरत अबूबकर सिद्दीक ने कहा कि कुछ नहीं, एक खतरनाक जानवर ने मुझे डस लिया है, तो इसीलिए मैं जब से हटा नहीं रहा था, अब मैंने हटा लिया एड़ी, तो आप सो जाए, आप तकलीफ मत ले, मैं सह लूंगा। ये देखिए हजरत अबूबकर सिद्दीक की शान कैसे प्यारे आका को। और जब यहाँ ये जो है चढ़ाई का रास्ता है, इसीलिए आधे से भी शुरू में तो ऊटनी पर प्यारे आका हजरत अबूबकर सिद्दीक की ऊटनी पर आए, फिर ऊपर चढ़े, ऐसे उंगलियों के बल चल रहे थे, जैसे चलते हैं ना, ऐसे चल रहे थे ताकि दुश्मनों को पैरों के निशान न दिखे। तो जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक में से खून आने लगा, तो हजरत अबूबकर सिद्दीक ने उनको अपनी अपनी गोद में उठाकर उनको लेकर आए यहाँ तक, फिर गोद में ही लाए, ये देखिए। और जब वापस गए तो हजरत
जब हजरत सब साहबी थे तो सब साहबी ने पूछा क्या हुआ, मतलब ए नबी आप आराम कर लीजिए, हम ये सब बातें अबू बकर से पूछ लेंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बताने लगे कि ऐसे ऐसे मैं उनको उठा कर लेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा कर लेके गया था ऊपर। तो हजरत उमर बोले कि ए अबू बकर तुम मेरी जिंदगी की सारी नेकियां ले लो, बस ये एक नेकी मुझे दे दो। तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि ए उमर मेरे पास ये एक ही तो नेकी है, अगर मैंने वो भी तुम्हें दे दी तो मेरे पास क्या बचेगा। ये देखिए इतने बड़े सहाबी क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास एक ही नेकी है, अब बताएं इतने बड़े सहाबी है। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर, लेकिन मेरी एक बात जरा गौर से सुनना कि यहाँ पर आने से आपको शैतान रोकेगा, बोलेगा बहुत ऊंचा है चढ़ नहीं पाएगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, शैतान को ठोकर मार मार के आपको यहाँ पर आना है। ठोकर अच्छा, उसको मार मार के यहाँ पर आना है, शैतान के घुटनों को मार मार के यहाँ पर आना है। हाँ जी, और देखो कितने कितने से घर दिख रहे हैं। जब आप आधे रास्ते से बीच में पर आ जाओ, आधे लोग तो बीच में भाग गए वापस। हाँ जी, अच्छी आ जाऊंगा।